जी तो यहाँ पर देख लिए है जी, मैंने देख लिया आप मीठा रखा हुआ है। आगे मैं आपको वीडियो कम्प्लीटली दिखाता हूँ, वीडियो में मैं ये नहीं देख सका, लेकिन यहाँ पर मैंने देख लिया मक्खियाँ देख ली, मीठा घोल कर रखा हुआ है, उधर से उठाकर डब्बों में डाल रही हैं। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और इसकी थोड़ी आपको डिटेल बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त सऊदी अरेबिया के एक मैं इलाके में मौजूद हूँ। पहले तो आपको इलाका दिखा दूँ, ये टॉप ऑफ द फीफा, ये फीफा वाली साइड है ये मुंतका जजान, बहुत मशहूर और मरूफ जगह है सऊदी अरेबिया की। तो यहाँ पर ये बैठे हुए हैं जो भाई शहद बेचते हैं। तो ये मैं आपको लाइव क्यों दिखा रहा हूँ, थोड़े सीन आपको थोड़ा क्लोज करके भी दिखा देता हूँ मैं। ये देख लीजिए आप, माशाल्लाह तो दूसरी तरफ उधर भी हैं जी मक्खियाँ, वो भी हैं डब्बे लगे हुए, इधर भी लगे हुए हैं। तो ये मक्खियाँ, मैं एक चीज़ देख रहा था कि इनके नीचे या इर्द गिर्द कहीं मीठा तो नहीं रखा हुआ, यानी कि चीनी वगैरह या गुड़ वगैरह पानी में मिक्स करके ये तो नहीं रखी हुई हैं, वहाँ से ये उठा उठा कर और लेके आ रही हैं। लेकिन मुझे ऐसी कुछ चीज़ यहाँ पर दिखाई नहीं दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी पड़ा हुआ है सिर्फ, तो देख लें आप, और इसमें भी मक्खियाँ नहीं हैं। तो शायद ये ऊपर से कहीं से लेके आ रही हैं। तो मैं अभी उसको पूछ रहा था इसके प्राइस क्या हैं, तो उसने मुझको वो शायद भी दिखाया और उसके प्राइस भी अपडेट किया है, यानी कि ये 200 रियाल किलो में बेच रहा है जी। तो ये दूसरे शहरों के निस्बत यहाँ पर काफ़ी सस्ता है, हालांकि दूसरे शहर में यही भाई शहद आपको 400-500 रियाल किलो बोलते हैं, तो ये 200 रियाल केजी में बोल रहा है। और अभी तक जो मैंने हालात देखे हैं उस हिसाब से तो ये ठीक है जी, क्योंकि इर्द गिर्द कहीं भी कोई भी किसी किस्म की मैं कोई मीठे वाली चीज़ नहीं देख रहा हूँ मैं, जिससे मक्खियाँ भाई यानी कि उसको उठा उठा कर डब्बों में डाल रही हूँ। इस तरफ के भी मैं आपको थोड़ा मनाजर दिखाता हूँ। फिर जो मैं आपको बता रहा था, मीठा मैंने देख लिया है पड़ा हुआ है, तो ये शायद भाई मिक्स होते हैं, यानी कि इनमें कुछ तो फूलों के शायद होती हैं और कुछ ये मीठा जो इन लोगों ने घोल के रखा हुआ है वो होता है। तो ये शायद नहीं खरीदना चाहिए मेरे हिसाब से, वो आपको अगर कोई प्योर ओरिजिनल उतार कर देता है कहीं बाहर किसी दरख्त वगैरह से तो वो ठीक है भाई।